हेलो एवरीवन, आज काफी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। आज लगभग मेरे हिसाब से 10 दिन होंगे। आज हम पनामा कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वेज कैनाल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में इसका कंपैरिजन करेंगे दोनों का, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा और स्वेज नहर का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, विवरण बताइए या उस पर एक लेख लिखिए, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बाद करेंगे। आज हम पनामा के बारे में पढ़ेंगे। याद कीजिए स्वेज नहर को, कि ये यहां पर हमने मैप बनाया था इस मिस्र की भूमि को काट के, और वो फर्डिनेंड जी लेसेप्स नाम के इंजीनियर ने उसको बनाया था, हमने उसको बढ़ा था, आप उसको देख लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो। आज फिर एक नहर है पनामा कैनल, बड़ा मिराकल है और ये बहुत ही, इसको अमेरिका ने 7 आश्चर्य या 7 अजूबों में शामिल करने की बात भी कही है, क्योंकि क्या हुआ था देखिए कि यहां पर जैसे मान इमेजिन करो न्यूयॉर्क है, यहां से अगर कोई अमेरिका का सामान यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो पूरा इस हॉर्न अंतरिक्ष से चारों ओर चक्कर लगा के पूरे दक्षिण अमेरिका से चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता था और फिर वापस यहाँ आना पड़ता था। हम इसमें यही पढ़ना चाहते हैं कि जो पनामा कैनाल यहाँ से यहाँ तक बनाई गई है, जिसकी जो डिस्टेंस 82 किलोमीटर है, यानी 82 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ता था, यहां से जब किसी जहाज में सामान यहां लाना है, आप ऐसा कह सकते हैं कि इधर न्यूयॉर्क सिटी है, इधर है सैन फ्रांसिस्को, तो न्यूयॉर्क से अगर सैन फ्रांसिस्को आना था तो क्या करना पड़ता था, तो इस तरह से आप इसको समझिए, ये करना होता था कि जहाज को यहां से यहां जाना था और फिर जहाज को यहां आना। देखिए 13,000 किलोमीटर का चक्कर पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगा के फिर यहां पहुंचना होता था, इसीलिए ये प्लान किया गया। और ये प्लान पनामा नहर को बनाने का 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। उस समय के राजा महाराजा ने ऐसा प्लान किया था कि इस अटलांटिक महाद्वीप से, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए ऐसा एक रास्ता यहां बनाया जाए, लेकिन इतना आसान ये नहीं था। वजह थी कि इसकी भूमि थी वो पर्वतीय भूमि, ऊंची नीची थी, ठीक है, इसलिए आसान नहीं था। तो काफी शुरुआत करने के बाद में काफी संघर्ष करने पड़े। अब आपके बात है एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है, तो एग्जामिनेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि तो ये अटलांटिक जिसको बोलते हैं अटलांटिक, एटलांटिक जो महासागर है, इसको जोड़ती है किससे, ये एटलांटिक है और ये क्या है, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर से जोड़ती है। एटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, कैसे जोड़ती है, कि इस भूमि को काट के यहां बनाया गया है, हो गया ना पहली बात। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पनामा नहर कौन से महाद्वीपों को अलग करती है, अगर यहां से इस भूमि को काट देंगे तो ये दो अलग हो गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, ये अटपटा लग रहा है या बड़ा है, कैपिटल आएगा, सॉरी अमेरिका, वह दक्षिण अमेरिका के मध्य है या उनको अलग करती है, दो बात हो गई है आपको, डाटा से डाटा बात इसको लिखनी पड़ती है। अब आप ये करेंगे, इसको बनाने का विचार कब शुरू हुआ, तो इसका जो तो निर्माण से शुरुआत कर देते हैं अपन, निर्माण, निर्माण का जो विचार है वो कब आया,
16वीं शताब्दी में, आपको ऐसे लिखना है। निर्माण करने का जो प्लान था वो 16वीं शताब्दी में आया, लेकिन सफल हो नहीं पाया। और आप तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे आधी है, इससे डबल समय लगा है, डबल खर्चा लगा है, और इसमें तो इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसमें 22,000 आदमी मारे गए, दो कंपनियां जो इसके निर्माण में थी वो फेल हो गई, चली गई, और जो इसका इंजीनियर था उसका बेटा यहां था वो भी फंस गया, जिसको पनामा स्कैंडल नाम से जाना जाता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। इसको विचार आया, फिर शुरू कब किया गया? इसके जो डाटा है ना वो बड़े आसान है आपके लिए, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की डेट है, इस तरह की सन है, 1904 में शुरू किया, 1914 में पूरा हो गया, तो 4 और 14 10 वर्ष का अंतर हो गया ना। और डेट है ना, डेट वो इंडियन पीपल के लिए इसकी डेट बहुत आसान है, क्योंकि 15 अगस्त है, तो ये तो बहुत ही फेमस है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इसको याद करने में। और एग्जामिनेशन में आप डेट सही अगर सन लिखते हो तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है और आपको अच्छे नंबर भी देता है। तो निर्माण में विचार हुआ 16वीं शताब्दी में, शुरू किया 1904 में और पूरा हो गया 15 अगस्त 1914, ठीक है, क्योंकि पनामा थर संयोजक भूमि पर्वतीय थी, क्योंकि ये पनामा की थर संयोजक भूमि है वो पर्वतीय थी, पर्वतीय होने के कारण बड़ा मुश्किल था यहां पर इसको बनाना। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दिक्कत यहां क्या आती है, देखिए कि यहां पर एक झील यहां है, एक झील यहां है, इसको दोनों को जोड़ना है, इधर ऊंचाई है और इधर नीचा क्षेत्र है, तो अगर इनको आप जोड़ोगे तो ऊपर वाला पानी सीधा इसमें आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं था इससे होना। एक पर्वतीय भूमि को खोदना, काटना, रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल था। तब क्या किया कि इसको 6 जलबंधक और 3 लॉक बनाए गए, इसके 3 लॉक्स बनाए गए। क्या होते हैं लॉक्स, मैं आपको बताऊंगा कि लॉक्स बनाने के लिए, इस बनाने से पहले यहां पर थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल ऐसे बता देता हूं कि यहां एक कंट्री है पनामा और इधर है सिलोन, ठीक, कॉलोन, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझिए, थोड़ा बड़ा करके बताऊं, ये जो बीच वाला जैसे इलाका है ना, इसमें तो यहां पर है कॉलोन और इस इलाके पे है पनामा। यहां पर पहले, सबसे पहले फ्रांस ने काम शुरू किया, फ्रांस ने काम शुरू किया, वहां की कंपनी आई, क्योंकि यहां पर्वतीय भूमि थी, उनके अनुकूल वातावरण नहीं था, मच्छर बहुत ज्यादा थे, डेंगू वगैरह फैल गया, तो क्या हुआ 22,000 आदमी मारे गए यहां पर, और वो कंपनी फैल होगी वापस चली। देन उसके बाद में दूसरी कंपनी आती है, और उस कंपनी, वो कंपनी भी काफी समय तक 1881 में अपना काम शुरू करती है, वो भी फैल होकर चली जाती है। फिर अमेरिका ने क्या किया कि 8 किलोमीटर इधर से और इधर, ये दूरी है 8 किलोमीटर की भूमि खरीद ली अमेरिका ने। ये भूमि खरीदने के बाद में यहां उन्होंने काम बनाना शुरू किया, पनामा और कोलोन के बीच 8 किलोमीटर की भूमि खरीदी जाती है, कोलोन यहां है, पनामा है, ये इस इलाके को खरीद लिया उन्होंने और काम शुरू किया। तो यूएसए ने, आप यहां ऐसा कर सकते हैं, इसको लॉक्स को मैं नीचे बताता हूं, यूएसए ने 8 किलोमीटर भूमि खरीदी और लॉक्स ये 3 लॉक बनाए। लॉक कहां बनेंगे? लॉक यहां बनेंगे, एक शुरुआत में, दूसरा बीच में और तीसरा इधर, यानी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 3 लॉक है उनके नाम बताइए। फिर ये पूछ सकते हैं कि अटलांटिक के सिरे पे, अटलांटिक यानी पश्चिमी जो अटलांटिक है इधर,
उस पर कौन सा लोक है, प्रशांत पूर्वी प्रशांत महासागर पे कौन सा लोक है और मध्य में कौन सा लोक है। तो तीनों जो लोक बनाए उससे ये जो पहले तीन डेट की अगर बात एक यहां भूल गया था आपको बताना कि तीन डेट को कैसे याद करोगे। 16वीं शताब्दी में शुरू किया, 16वीं शताब्दी में सोचा, 1904 में शुरू किया, 1914 में पूरा हुआ और सन 2000 में ये पनामा के नियंत्रण में आ गया। तारीख भी आसान है अगर आप चाहो तो 1-1-2000 में ये पनामा के नियंत्रण में आ गया, उससे पहले ये अमेरिका के नियंत्रण में था। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब तीन लोग कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो इधर से हम लेते हैं अटलांटिक के सिरे पे पहला, जैसे ये ऐसा मान लीजिए ये पनामा है। ठीक है, इधर जो है इलाका वो इलाका है अटलांटिक का, इधर वाला जो इलाका है ये इलाका है प्रशांत महासागर का। तो यहां है दातून, यहां लिख देता हूं मैं दातून, इस लोक का नाम है दातून। तो दातून लोक कौन से एरिया में है तो आप बताओगे कि अटलांटिक, वो अटलांटिक के सिरे पे है, मध्य में है पेड्रो मिट, पेड्रो मिट क्या कैसे याद रखो आप जानो, पेड्रो मिट यानी गातून बीच के अंदर हो गया, पेड्रो मिकट लॉक, ये भी लॉक और ये इधर वाला है मीरा फ्लोर्स, तो आपको आसानी से याद हो ही जाएगा। और लॉक, ये तीन लोक बनाए गए, इस तीन लोक के द्वारा लोक का मतलब होता है गेट बंद हो जाते हैं, इसमें पानी भर लिया जाता है और उसके बाद में ये चला जाता है। अब इसकी डिस्टेंस वगैरह देखें तो जो हमने स्पेस पढ़ा था उसकी लंबाई थी 162 किलोमीटर, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। ठीक है, याद रह जाएगी, आधी है लगभग उससे, इसलिए वैसे भी याद रह जाएगी, ये कम है पनामा की वो ज्यादा है। और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई ज्यादा कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में आप लिखोगे तो आपको तो 90 है, 90 क्या करोगे किलोमीटर थोड़े करोगे, सिर्फ 90 मीटर है। और इसकी जो गहराई है वो 12 मीटर की डेप्थ पे है ये। ठीक है, अब बात रही ये कि ये जो तीन लोक है वो तीनों लॉक्स काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता देता हूं कि इनका सिस्टम क्या है। इसको काट के यहां से यहां बना दिया गया, अपन एक तो ऐसा समझे कि काटने के बाद में और ये पानी इधर से इधर आने लग गया, ये बन गई पनामा नहर, अमेरिका ने बनाई थी इसके बाद में। अब जब ये रहा कि अगर यहां पर पानी ऊपर है, यहां पर पानी नीचे है इस तरह से, तो यहां भी गेट बनाया रहता है इनका, इनका ये इस तरह से और ये नीचे। सबसे पहले क्या करेंगे, जहाज आएगा इसके अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, यहां एंट्री लेने के बाद में इस गेट को पीछे से बंद कर देंगे, जहाज अंदर आ गया। अब एक नहर है यहां पर गातून, गातून नाम की लहर नहर है जिसको गातून भी कहते हैं, गातून भी कहते हैं इस नाम की, यहां पास में ही एक इस इलाके में यहां पर है, उसमें से पानी मशीन और मोटर के द्वारा इसके अंदर डाला जाता है। जब इसमें इतना तेज पानी डालते हैं कि पानी से जहाज बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है यहां तक, और जब जहाज इसके बराबर आ जाता है तब क्या करते हैं, इस गेट को खोल देते हैं और ये जहाज इस पानी में इसके हिसाब से आगे आ जाता है। ठीक है, दूसरे में आ गया। अब तीसरे की बात करें, आने के बाद भी इसको बंद कर देते लोक को और जहाज यहां आ गया, वापस नीचे उतारना है क्योंकि आगे वाला फिर नीचे है, तब क्या करोगे, इसमें से पानी वापस निकालेंगे तो जहाज धीरे 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 नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आते इसमें आ जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ये
पानी वापस उस गाटून झील में डाल दिया जाता है और उससे वापस इसी लॉक्स के अंदर डाला जाता है। ये इनका सिस्टम है, इसके आधार पर ये काम किया जाता है। ठीक है, गाटून झील की मदद से ये काम लिया जाता है। अब रही कि इसका फायदा किसको हुआ भाई, इससे क्या फायदा हुआ ये बात करें ना अपन, तो सबसे ज्यादा फायदा इसका इस नहर का हुआ यूएसए, क्योंकि आप हालांकि वैसे तो देखिए अपन ऐसा नहीं कह सकते कि दक्षिण अमेरिका को भी फायदा हुआ है। इसका जहाज यहां से यहां आने में भी इसको भी ऐसे चक्कर लगाना पड़ता था, यहां से यहां में चक्कर लगाना पड़ता था, अगर कोई यहां यूरोप का सामान अगर यहां आ रहा है तो चक्कर लगाना पड़ता था, तो ये बड़ा टेढ़ा काम था। दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका दोनों को फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ यूएसए को। तो यूएसए का फायदा सबसे ज्यादा इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के देश, इसके अलावा यूरोपीय देश, ये बात लिखने के बाद आप फैक्ट डाटा बताइए। फैक्ट डाटा कैसे बताओगे कि भाई न्यूयॉर्क से यहां से और सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए ये दूरी है, ये है 13,000 किलोमीटर, ये दूरी कम हो गई। यानी आप ऐसा बताओ कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी 13,000 किलोमीटर की कम हो गई। ठीक है, अब ऐसा जरूर है, इतना जरूर है कि स्वेज नहर की तुलना में, इस नहर की तुलना में जो ये नहर है इसका आर्थिक महत्व कम है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इससे सारे देशों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और आप ऐसा मान लीजिए कि पनामा देश को बहुत बड़ा राजस्व इससे मिलता है। और अब हमने दोनों नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों पढ़ लिए, तो आप क्या करेंगे, अगला जो हम वीडियो लेंगे उसके अंदर एक कंपेयर करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे स्वेज नहर और उसकी पनामा नहर की। उसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस नहर को बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आई, कि आपने ये पढ़ा था कि इस नहर को, जो स्वेज नहर को बनाने वाला इंजीनियर का क्या नाम था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसका बेटा था चार्ल्स डी लेसेप्स। उसने क्या किया कि 1881 में काम शुरू किया था, ये देखो इसकी हर डेट याद है, 18 उल्टे 18, तो इसकी डेट होगी ना, इसकी डेट याद रही, काम शुरू किया था। और उसके बाद में यहां पर 22,000 श्रमिक मारे गए, डेंगू मलेरिया हो गया था, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा यूरोपीय फ्रांसीसी लोगों के अनुकूल नहीं था इसकी वजह से, और 1889 में वो कंपनी वो दिवालिया घोषित हो गई। उसके बाद फर्डिनेंड का जो बेटा चार्ल्स डी लेसेप्स आया था उसको एक पनामा स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, 5 साल की कैद हो गई थी तो आर्थिक अनियमितता की वजह में यहां इसमें। तो ऐसा भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पनामा स्कैंडल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पनामा स्कैंडल। पनामा स्कैंडल यहां फर्डिनेंड डी लेसेप्स का बेटा चार्ल्स डी लेसेप्स ने यहां ठेका लिया था इसको बनाने का, और उसमें वित्तीय अनियमितता के कारण 5 साल जेल जानी पड़ी थी, वो भी फेल हो गया था, और ये नहर बनाई थी यूएसए ने। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी चीज समझ में आई होगी। धन्यवाद।